हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ससी सटी क्लास। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आपने बोला या सुना होगा, जैसे आपके वहां जाने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए इसके रूल को समझते हैं। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ नहीं होगा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नथिंग विल हैपन। आइए इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले आपको नथिंग विल हैपन लिखना है, इसके बाद आपको मेन सेंटेंसेस लिख देना है। एक और बात, जो मेन सेंटेंस होगा जनरली वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में फ्रेम किया जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। वहां जाने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ यू गो देयर। मैंने जो बाद में सेंटेंस बनाया है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का है, जनरली आपको इफ के बाद प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही सेंटेंस को फ्रेम करना है। उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ ही स्पीक्स। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ आई लिव। मेरे यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ आई कम हियर। मेरे स्कूल जाने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ आई गो टू स्कूल। आपके पूछने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ यू आस्क। एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। आपके घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो यही थे आज के खास इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।